बस्ते में ढूंढे तो मिल जाएगा एक नया आइडिया, बनाया परसों के रोबोट को और संग है मियो को, इसने ही हर बारी धूम है मचाई। इधर कभी आते जाते रास्ते में, कभी स्कूल के बस्ते में, उसने फिर मुझे देर करवा दी है, मैं इस घर का क्या करूं? ये बहुत ही अजीब है, मुझे यकीन है ये जरूर किसी गैंग का मेंबर है, तुम जल्दी आकर देखो ना। अभी मैं बहुत बिजी हूँ। जैसे ही तुम स्कूल से आते हो वैसे ही ये सब करना शुरू कर देते हो। वो बूढ़ा आदमी फिर से आ गया है, वो लगातार यही देखे जा रहा है। वो हमारे घर के आसपास क्यों घूमता रहता है बताओ? ऐसा कुछ नहीं है, वो सैर कर रहा होगा। वो सिर्फ सैर ही नहीं करता पर इधर उधर झांकता भी रहता है। ठीक है, ज्यादा शोर मत करो कोरोसुके। वो एक अजीब आदमी है, मुझे यकीन है ये वही चोर है जो आजकल शहर में घूम रहा है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैं अभी कुछ भी नहीं कहना चाहता। ऐसा ही करो प्लीज, मैं बिजी हूँ। अगर ये वही चोर हुआ तो क्या होगा? शायद ये वही है। ये मुझे देखकर चला गया, इसका मतलब जरूर ये एक अजीब आदमी है। हे, कोरोसुके कितरेत्सु घर पर है? हाँ, हमेशा की तरह वो अपने काम में बिजी है। ओह ऐसा क्या? दरअसल बूटा गुरेरा ने सबको एक साथ बुलाने के लिए कहा था। माफ करना पर मेरे पास भी टाइम नहीं है। लेकिन ये मीटिंग उस मिस्टीरियस थीफ एक्स के लिए है। क्या मिस्टीरियस थीफ एक्स? ये वही है ना जो आजकल हमारे शहर में घूम रहा है? हाँ तुम ठीक समझे। मुझे उसके बारे में कुछ पता है, कितरेत्सु की जगह मैं मीटिंग में चलता हूँ। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें उसके बारे में कुछ पता होगा। चाहे वो चोर हो, कोई भूत हो या कोई बीस मुंह वाला आदमी, वो कब आता है कब जाता है किसी को कुछ नहीं पता। मिस्टीरियस थीफ एक्स, अब मैं तुम्हें पकड़ के ही रहूंगा और उसे पकड़ने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। दोस्तों क्या तुम तैयार हो? हमारे पास तो उसका एक भी सबूत नहीं है। लेकिन हम कैसे मदद कर सकते हैं बूटा गोरीरा? तुम परेशान मत हो, मेरे पास इसके लिए एक आइडिया है। आइडिया से याद आया, हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करके उसे ढूंढना होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ बूटा गोरीरा, मेरे पास सबूत है। ओ, तो फिर जल्दी बताओ। अरे सुनो तो ठीक है, मुझे बताओ कि क्या क्या सामान चोरी हुआ है, शायद हमें कुछ पता चल जाए। हाँ इससे याद आया, मेरे स्नैक्स चोरी हो गए हैं जो मैंने खास तौर पर अपने लिए रखे थे। मुझे यकीन है कि वो कोई ऐसा होगा जो खाने का शौकीन है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जरूर कोई मोटा आदमी है। मोटा? और मेरा हेयर बैंड चोरी हुआ है, कहीं वो चोर कोई लड़की तो नहीं? लड़की? यानी उसकी आंखें कमजोर हैं। चश्मा? एक बच्चे की ड्रेस भी चोरी हुई है। ये बात तो बहुत अजीब लग रही है सच में। और टोंगारी तुम्हारा क्या? नहीं। ओ तो इसका मतलब है कि वो आम आदमियों को ही निशाना बना रहा है, उसे तरबूज से ज्यादा संतरे पसंद है और मेरे हिसाब से वो ऐसा दिखता है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है, समझे? अच्छा ये बात है, तो तुम ही बताओ कोरोसुके वो कैसा दिखता है। मुझे तुम लोगों को कुछ बातें बतानी है, इस तरह की बेकार जानकारी से तुम उस चोर को कभी नहीं पकड़ पाओगे। क्या कहा तुमने? उसने मुझे बहुत मारा। असली चोर को पकड़कर मैं बूटा गोरीरा को दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। कितरेत्सु कुछ तो बोलो। इसीलिए तो मैंने ये बनाया है कोरोसुके, मेमोरी कैमरा। क्या तुम मेरी फोटो ले रहे हो कितरेत्सु? मुझे कपड़े बदलने होंगे। तुम फोटो ले सकते हो? ये क्या है? ये बीता हुआ समय दिखाता है, मैंने इसे 5 मिनट पहले सेट किया था इसीलिए ये तुम्हारी 5 मिनट पहले की फोटो है। अब मैं इस डायल को 10 मिनट पहले सेट करता हूँ। इसमें तो कुछ नहीं है। 10 मिनट पहले यहाँ कोई नहीं था इसलिए ऐसी फोटो आई है। मुझे दो, मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ।
आप क्या कर रहे हैं पापा? कुछ खास नहीं बच्चों। ये तो अजीब है। चलो डायल को एक मिनट पीछे करके देखो। हाँ? अरे ये तो स्नैक्स खा रहे थे। अरे नहीं। क्या मैं मॉम को ये फोटो दिखाऊं पापा? कितरेत्सु, क्या मैं इसे 10 साल पीछे करूं? हाँ हाँ क्यों नहीं। हाँ कितरेत्सु कैसा दिखता था? कोरोसुके, जब मैं छोटा था तो मैं इसी कमरे में सोया करता था। हंसना बंद करो, तुम भूल गए हमने ये कैमरा किस काम के लिए बनाया था। अब चलो हमें उस चोर को ढूंढना है। जो भी कहो, पुराना समय ही अच्छा था जब ये छोटा था। मुझे वो समय आज भी याद है। अच्छी तरह से ढूंढो दोस्तों। लेकिन मुझे तो लगता है कि वो हमें यहाँ पर नहीं मिलने वाला। बेकार की बातें मत करो और उसे जल्दी से ढूंढो। अपने चारों तरफ ढूंढो, कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए। ये लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे तो मैं ही ढूंढूंगा। हमारे पास इससे काफी बेहतर तरीका है। हाँ? अरे कितरेत्सु, तुम कहाँ चले? रुको, मैं भी आ रहा हूँ। उनी सानो मेगाने गा नुस्मारता जिकान तो भाषो गा शिरिताइंदा। ここが兄貴の部屋だ。昨日の夜、枕元に置いといて盗まれたんだ。この辺だよ。じゃあ、夕べの10時を移そう。メガネはまだあるぞ。よし。まず、だいたい何時にメガネがなくなったかを調べる。それから、その頃の写真を何枚も撮れば、きっと犯人が写ってるよ。なるほど。さすがはキテレツネリ。いや、それほどでも。あら、あら、キテレツ、みんな真っ黒になるよ。え？いや、そんなはずないよ。本当だ。おかしいな。そうだ！兄貴は10時半になると部屋を真っ暗にして寝るんだった。はい。親父のパンツが盗まれた場所と時間なんてお袋に聞かなきゃわかんないよ。お袋？北海道へ旅行に行って留守なんだ。はあ。मैंने उसे यहाँ टेबल पर रखा था और परसों करीब 3 बजे मैंने कुछ सुना और जब मैं वापस आई तो मैंने देखा वो यहाँ पर नहीं था, वो गायब हो चुका था। इस जानकारी ने मेरा काम आसान कर दिया है। हाँ, यहाँ से तो हमें उस चोर की फोटो जरूर मिल जाएगी। मैं क्या करूँ, मुझे थोड़ी पता था मियो को। तो फिर किसे पता था कि कितरेत्सु, बताओ। बाय योको। ये तो काफी मुश्किल काम है। कुछ तो करना ही होगा। हुँ? क्या हुआ कोरोसुके? वो फिर से आ गया। हाँ, और ये यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? मुझे यकीन है कि कितरेत्सु की यही चोर है। तुम्हें बिना सबूत के ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन ये बहुत अजीब है। चलो चलता हूँ। भागो, जल्दी भागो दोस्तों, जल्दी करो। ये सब क्या हो रहा है? मेरे घर में एक चोर घुस गया है कोरोसुके। चलो उसकी फोटो खींचते हैं। ठीक है, चलो। तुम दूर रहना, मैं अकेले ही उस चोर को ढूंढ लूंगा। लेकिन मैं तो सिर्फ एक फोटो लेना चाहता हूँ। चुप रहो बेवकूफ, कोई इस तरह से फोटो खींच कर चोर को नहीं पकड़ सकता। अब मैं तुम्हारी इन बंदर जैसी शक्लों की फोटो खींचूंगा। अरे ये कौन है? ये तो वही नेकलेस है जो चोरी हो गया था। ये तो मंकी चैन का बंदर है। अपने बंदर की फालतू चीजें इकट्ठा करने की आदत से मैं मुसीबत में हूँ। तुमने हमारी चीजों को फालतू कहा? ये दूसरों के लिए बहुत परेशानी की बात है। लेकिन जो भी हो दोस्तों, मेरी कोशिशों की वजह से ही हम चोर को पकड़ने में कामयाब हो पाए। ये कितरेत्सु के कैमरे की वजह से हुआ है। मेरी कोशिश की वजह से? नहीं, कितरेत्सु के कैमरे की वजह से। नहीं, मैं। तुम नहीं वो कैमरा। अरे अरे रुक जाओ, छोड़ो। ये अच्छा हुआ कि कैमरे की वजह से चोर का पता चल गया। पर मैंने नहीं सोचा था कि वो एक बंदर होगा।
लेकिन वो बूढ़ा आदमी सारा दिन यहाँ क्या करता रहता है? ये तो वही है। तुम इस घर में रहते हो क्या? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? हाँ, तुम हमेशा दूसरों के घरों में झांकते रहते हो, अजीब से आदमी। हाँ क्या तुम्हें बुरा लगा? अगर तुम्हें लगता है कि मैं अजीब हूँ तो चलो, फिर कोई बात नहीं। लेकिन आप इस घर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, यही वो जगह है जहाँ मैं पैदा हुआ और बड़ा हुआ। आप कब तक इस घर में रहे थे? 1930 के आसपास तक, यानी बहुत साल पहले। कुछ बदलावों की वजह से हम अमेरिका चले गए थे। उसके बाद जब मैं वापस लौटा तो देखा कि ये जगह बहुत बदल गई है। घर, लोग, बिल्डिंग, सब कुछ बदल गया था। अब तो मेरे पास सिर्फ पुराने दिनों की कुछ यादें बची हुई हैं जिनके सहारे मैं जिंदा हूँ। लीजिए। अब तो मैं बहुत बूढ़ा महसूस करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे 1930 में सेट कर देता हूँ। जरा इस फोटो को तो देखिए। अरे, ये तो मैं और मेरी बहन है। ये तुमने कैसे किया बेटा? मैं उस वक्त की बहुत सारी फोटो खींच सकता हूँ। सुनो कितरेत्सु, तुम कहाँ जा रहे हो? ये उस वक्त की फोटो है जब आप यहाँ पर रहते थे। अरे हाँ, बिल्कुल वही तो है ये जगह। वो देखो, वो मैं और ये मेरी बहन, मॉम, डैड, दोस्त, हर कोई है यहाँ पर। तो वाह, मेरे पुराने दिन फिर से लौट आए। कितरेत्सु, ये तुमने बहुत अच्छा किया, सच में। न्यूज़पेपर कमेटी के मेंबर होने के बावजूद आर्टिकल्स इकट्ठा करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है जितना कि मैंने सोचा था। कि त्रित्सु, क्या स्कूल मैगजीन के लिए आर्टिकल्स ढूंढने का कोई और रास्ता नहीं है? समझ गया। मुझे भी बताओ ना कित्रेत्सु। तुम बुरा मत मानो, लेकिन क्या थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हो? पर मेरी बात तो सुनो। हाँ, अरे ये तुम क्या कर रहे हो कितरेत्सु? चाहे वो मियो को ही क्यों ना हो, मैं उसे अपनी किताब दाइया का दिखाने का खतरा नहीं उठा सकता। तुमने बिल्कुल सही कहा, कितरेत्सु कितना बुरा है। जब भी वो कुछ सोचता है तो अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है और मुझे भूल जाता है। कहाँ लिखा है इसमें, कहाँ लिखा है? हाँ, मिल गया। कावारा बान कोजो, इससे काम बन सकता है। हे मियो को, मियो को। हाँ, अरे मियोको तुमसे नाराज होकर चली गई कितरेत्सु। हाँ वो तो है। हाँ, ये तुम क्या बना रहे हो कितरेत्सु? ये मैं मियोको को देने के लिए बना रहा हूँ। कवारा बान कोजो, क्या तुम उसे ये डस्टबिन देना चाहते हो? ये डस्टबिन नहीं है कोरोसुके, इसे चलाकर देखो क्या होता है। हाँ? इसके अंदर एक पेरिस्कोप और एक माइक लगा हुआ है कोरोसुके। ये चुपके से बातें सुनता है और फिर उन्हें छाप देता है। ये हाथ भी बहुत से काम करता है और फिर ये सारी जानकारी रखकर उसे आर्टिकल के रूप में यहाँ से छाप देता है। ये एक न्यूज रिपोर्टर रोबोट है कोरोसुके। ये जानकारी चोरी करता है? नहीं कोरोसुके, तुम्हें इतनी बुरी बातें नहीं बोलनी चाहिए। कितरेत्सु साइसेन ने इस रोबोट को कावारा बान सेन के कहने पर ही बनाया था, इसीलिए ये मियोको के लिए बहुत काम की चीज है। ये तो बहुत ही अजीब आइडिया है कितरेत्सु। अब तो मुझे ही जाकर मियोको के लिए कुछ अच्छे आर्टिकल्स इकट्ठे करने होंगे। हाँ जाओ और यही करो। तब तक मैं कावारा बान कोजो के साथ अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखता हूँ। गुड लक। रिको, ये तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए है, मुझे खुशी हुई। क्या है ये? ओके, तुम सच में कितने अच्छे हो। तुम भी तो अच्छी हो रिको। सुनो, अच्छा होगा कि तुम इस बच्चे से माफी मांगो। गलती तुम्हारी थी, माफी मांग लो वरना ठीक नहीं होगा। अरे वरना क्या होगा? बहुत देर हो गई, कावारा बान कोजो कहाँ चला गया?
काश कि बूटा गोरीरा ने कुछ ना किया हो। हाँ, तुम इतना सब लिख कर लाए, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जरा देखें, दूसरी गली के पार्क में केन ने अपनी प्रेमिका रिको को एक तोहफा दिया। केन ने रिको के पास जाकर कहा कि वो उसे पसंद करता है और रिको भी बहुत खुश नजर आ रही थी। सच में मजा आएगा। ये तो अच्छा है, मैं फौरन जाकर मियोको को बताता हूँ। अकीता चैन का कुत्ता सचमुच डरावना है और अगर आप उसके घर के सामने से जाएं तो वो आपको काट भी सकता है। ये तुम्हारी मैगजीन के लिए एक अच्छा आर्टिकल बन सकता है। सच में मियोको, तुम्हें मैगजीन के लिए आर्टिकल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सी जानकारी है, इस एडिशन को तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा मियोको। अच्छा चलता हूँ, बहुत काम करना है। को चाहता है। बूटा गोरीरा ने एक छोटे बच्चे की मदद की, वो एक अच्छा इंसान है। एक लड़का जो डॉल्स के साथ खेलता है। बूटा गोरीरा ने बहुत अच्छा काम किया, अब वो मुझे अच्छा लगने लगा है। हाँ वो सच में बहुत अच्छा है। टोंगारी, अगली बार एक साथ खेलने के बारे में क्या ख्याल है? मियो, ये सचमुच बहुत इंटरेस्टिंग है, हम अगले एडिशन का इंतजार करेंगे। थैंक्स। मियोको, कैसा लगा एडिशन? ये बहुत ज्यादा मशहूर हो गया है। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी इतनी मदद की कित्रेत्सु। अरे अगले हफ्ते तो हम इसे और भी ज्यादा मजेदार बनाएंगे। मेरी बात सुनो मियोको, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। उसे हम बाद में सुन लेंगे कोरोसुके। हाँ, जब तक हमारे पास कावाराबान कोजो है खबरें अच्छी होंगी। ये बहुत मजेदार बन गया है। मैं सब कुछ एक रोबोट पर नहीं छोड़ सकता। अब इसे क्या हुआ? अरे एक डस्टबिन। मुझे कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही है, अब मैं क्या करूं? हाँ, अरे ये तो वही रोबोट है। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? वो औरत जिससे मैं सिक्स्थ लेन में मिला था, मैं उसे दोबारा नहीं देखना चाहूंगा। बदतमीज कहीं के। अरे रुको, तुम कहाँ जा रहे हो रोबोट? रुक जाओ, पकड़ लिया। जो सीधा ना देखे वो ड्रैगन फ्लाई की आंख है और कोरोसुके मेंढक का पेट है। ये जरूर खराब हो गया है, मुझे जाकर कित्रेत्सु को बताना चाहिए। अरे कहाँ चला गया? अजीब बात है, वो बाहर कैसे चला गया? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कावाराबान कोजो खराब हो गया है, हम मुसीबत में पड़ गए हैं। ये सब सोचने से कुछ नहीं होगा कित्रेत्सु, अब हमें जल्दी जाकर उसे ढूंढना होगा। चलो। そんなにおしゃぶりが好きだとは、これをみんなが知ったらね。いや、俺は誰にも言わないけどね。人の秘密を身を切りになるロボットめ。काश उसने कोई अजीब आर्टिकल ना लिखा हो। वो देखो बूटा गोरीरा। क्या
कैसे हो बूटा गोरीरा? बूटा गोरीरा, क्या तुमने कोई अजीब सा लाल रंग का रोबोट देखा है? क्यों, क्या हुआ उस रोबोट को? मैंने तो उसे एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया था, पर वो कहीं चला गया है। अच्छा, तो तुमने बनाया था उस रोबोट को? पता है उसने मेरा राज खोल दिया। अगर वो रोबोट मुझे मिल गया तो मैं प्याज के छिलकों की तरह उसे छील डालूंगा। समझ गए ना कितरेत्सो? बूटा गोरीरा कवाराबान कोजो को पकड़ना चाहता है, अब क्या करे? वो उसे नहीं पकड़ सकता। क्यों नहीं पकड़ सकता? क्या तुम्हें लगता है वो रोबोट पकड़ सकता है? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो उसे नहीं पकड़ सकता। लेकिन कुछ हो उससे पहले हमें रास्ता निकालना होगा और कवाराबान कोजो के लिए एक ताकतवर सूट बनाना होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा कितरेत्सो। कवाराबान कोजो, उसे पकड़ो कितरेत्सो। जो भी हमने अभी बूटा गोरीरा के बारे में कहा वो सब इसने लिख दिया है, अगर उसने देख लिया तो वो फिर से हमें मारेगा कितरेत्सो। कुरुसुकी, तुम ये सब इकट्ठा करो और ध्यान रखना कि एक भी कागज छूट ना जाए। जा रहे हो? अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? रुको रुको कितरेत्सो, कहाँ भाग रहे हो? वन टू, रुक जाओ। आखिर ये सब हो क्या रहा है? अरे मियोको, क्या तुमने कितरेत्सु को कहीं देखा है? ओ, अब समझी, तो तुम भी इसमें शामिल हो कोरुसुके, लेकिन इस बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बाद में बताऊंगा मियोको। अरे रुक जाओ कवाराबान कोजो, नहीं छोड़ूंगा। मुझे भाग जाना चाहिए। हे, रुको, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है कितरेत्सो। हाँ ठीक है, चलो अब बताओ मुझे। तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। बहुत अच्छे, अगला नंबर। सुनिए, हम ये चाहते हैं कि आप सभी ये भूलने वाली टोपी पहने और बूटा गोरीरा का राज भूल जाएं। ये तुम्हारे भले के लिए है, इसलिए ध्यान से सुनो। आगे बढ़ो, इसे पहनो। इसमें कोई शक नहीं कि किसी का राज जानना बुरी बात होती है। बिल्कुल ठीक, दायाका में भी लिखा था कि इसे इस्तेमाल करते समय ध्यान रखना चाहिए। अच्छा होगा कि तुम उसे ध्यान से पढ़ लो, तुम्हारे कारण हम सब मुसीबत में फंस जाते हैं। मुझे डांट पड़ गई। コロスケ、飛行船が恐竜と間違えられて大騒ぎになってるよ。飛行船何か懐かしいなりな。そんなのんきなこと言って。でもあれは飛行船と違うなりよ。え、あれは本物の。次回、コロスケと赤ちゃん恐竜、南の海の大冒険。絶対見てね。 कभी स्कूल के बस्ते में।